हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नोमोपैथी एंड यस समृद्धि शर्मा इज हेयर टू गाइड यू। और आज की वीडियो में मैं आपसे मेडुरिनम को डिस्कस करूंगी, जो कि एक नोजोड है। और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे सुराइनम डिस्कस की थी, वो भी एक नोजोड है। आई होप आप सबको अब क्लियर हो चुका होगा नोजोड का मतलब क्या होता है। नोजोड होता है जो किसी डिजीज़ प्रोड्यूसिंग एजेंट से या फिर डिजीज्ड ऑर्गन से, उसके सिक्रीशन से, और जो डिजीज़ प्रोडक्ट्स हैं उनसे जो दवाइयाँ बनती है वो होती है नोजोड। तो यहाँ पर हम देखें मेडुरिनम किससे बनी है। तो मेडुरिनम इज़ फॉर्म्ड बाय द गोनोरियल डिस्चार्ज। ओके, किसी को गोनोरिया हुआ, अब वहाँ से जो डिस्चार्ज हुआ उससे जो दवाई है वो मेडुरिनम बनी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेडुरिनम की हमें पता होनी चाहिए कि सपोज़ किसी को गोनोरिया हुआ और उसने क्या किया, एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले लिया, और उस एलोपैथिक ट्रीटमेंट की वजह से वो गोनोरिया था वो सप्रेस हो गया, क्योंकि मरीज़ को ऐसा लगता है कि वो ठीक हो गया, लेकिन वो गोनोरिया क्या हुआ, सप्रेस हो गया, अंदर चला गया बॉडी में, और फिर वो जो रूमेटिज़म है उसमें डेवलप हो गया। तो जब हम देखेंगे कि रूमेटिज़म किसी मरीज़ के हमें मिलता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि प्रीवियसली वो गोनोरिया से इन्फेक्ट हुआ हो। सो देयर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ द गोनोरिया, यू कैन से दैट। सो जिन लोगों को भी गोनोरिया होता है आफ्टर दैट सप्रेशन और मैलट्रीटेड और सप्रेस गोनोरिया कॉजेज द र्यूमेटिज़म। तो हम देखें दवाई जो है इसका तीन ऑर्गन्स पे बहुत ही अच्छा एक्शन है। पहला है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दूसरा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, और तीसरा इसका बहुत अच्छा एक्शन है जो हमारा है एक्सट्रीमिटीज़, है ना। तो ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए जाननी, और सबसे प्रोमिनेंट है इसका मेंटल सिम्टम्स। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेडुरिनम है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशनल इफ़ेक्ट्स जो हैं मैलट्रीटेड और सप्रेस गोनोरिया के। जब आपने बहुत अच्छी दवाई दी, वो अच्छी दवाई देने के बाद भी वो इम्प्रूव नहीं कर पाया या रिलीव नहीं कर पाई वो दवाई, तो क्या होगा सप्रेस गोनोरिया के बाद। तो मेडुरिनम बहुत अच्छा काम करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं मैलट्रीटेड और सप्रेस गोनोरिया के। आपने बहुत अच्छी दवाई दी है उसके बाद भी वो उसको रिलीव नहीं कर पाई या इम्प्रूव नहीं कर पाई। और इनफैक्ट जब आप नोजोड देखोगे तो नोजोड्स में ये लाइन लिखी हुई है, ये बहुत बारीकी से हमें पढ़ना है हर दवाई में। जैसे सुराइनम मैंने डिस्कस की थी, तो सुराइनम में भी ये लाइन लिखी हुई है कि जहाँ पे सल्फ़र रिलीव नहीं कर पा रही है ना, क्योंकि वो एंटीसोरिक मेडिसिन हैं, तो जहाँ पर सल्फ़र रिलीव नहीं कर पा रही, अक्यूट केस में सल्फ़र रिलीव नहीं कर पाई, और क्रॉनिक केस में जो है सुराइनम काम में आती है। और साथ में लाइन लिखी हुई है व्हेन सल्फर फेल्स टू रिलीव और परमानेंटली इम्प्रूव, तो सुराइनम बहुत अच्छी दवाई है। अब हम देखिए मेडुरिनम, मेडुरिनम इज़ एंटी साइकोटिक मेडिसिन, इसका मियाज़म साइकोटिक है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें बहुत बारीकी से हमें पढ़नी है कि किस में क्या लाइन लिखी हुई है। तो यहाँ पर है कि गोनोरिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड दैट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट द मेडुरिनम। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंट थर्स्ट। अब थर्स्ट जो मेडुरिनम की है वो इतनी ज़्यादा कॉन्स्टेंट है कि मरीज़ जो है उसको सपने भी ऐसे ही आते हैं कि वो पानी पी रहा है, इवन ड्रीम्स दैट ही और शी इज़ ड्रिंकिंग, पानी पी रहा है, इस तरीके के सपने आते हैं, ठीक है। कॉन्स्टेंट लगातार प्यास है, हमको हर दवाई की थर्स्ट पता होनी चाहिए, दैट्स अ इम्पॉर्टेंट थिंग। नाउ मेंटल सिम्टम्स आर वेरी मच प्रोमिनेंट दैट आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर। मेंटल सिम्टम्स में क्या है, वीक मेमोरी। मेडुरिनम को आप देखोगे ना बहुत ही भुलक्कड़ होगा, बहुत ही याददाश्त जो है इसकी कमज़ोर होती है, वीक मेमोरी होती है, ये नाम भी याद नहीं रख पाता या फिर जो वर्ड्स हैं वो भी याद नहीं रख पाता, इनिशियल लेटर्स भी याद नहीं रख पाता, इवन जो इसका बेस्ट फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड्स हैं, क्लोज रिलेटिव हैं, उनके भी इसको नाम याद नहीं रहते, खुद का भी नाम जो है ये भूल जाता है। तो इतनी वीक मेमोरी है मेडुरिनम की, बहुत वीक मेमोरी है, जो वर्ड्स हैं उनको ये करेक्टली स्पेल आउट नहीं कर पाता और बहुत जल्दी ये चीज़ें भूल जाता है।
नेक्स्ट है लूजेस थ्रेड ऑफ कन्वर्सेशन, क्या बात कर रहा था, क्या कन्वर्सेशन चल रही थी उसके बीच में ये वो कन्वर्सेशन भूल जाता है, कॉन्स्टेंटली लूजिंग द थ्रेड ऑफ कन्वर्सेशन, मतलब दो लोग बात कर रहे हैं उसमें से एक इंसान सडनली भूल जाता है कि क्या बोल रहा था, ब्लैंक आउट जिसे कहते हैं ना, ब्लैंक आउट माइंड, स्पेस्ड आउट एकदम से, वो है मेडोरिनम। नेक्स्ट है कैनॉट स्पीक विदाउट वीपिंग, जैसे हम पल्सेटिला को देखते हैं तो पल्सेटिला में जो है वो ये लाइन लिखी हुई है कि जो फीमेल है वो सिम्टम नरेट नहीं कर पाती जब तक वो रो नहीं देती, मतलब वो रोते रोते अपने सिम्टम बताती है। और यहाँ पर ये है कि ये बोल ही नहीं पाएगा मरीज़ रोए बिना, तो ये दोनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि वहाँ पे है कि कैन नॉट नरेट सिम्टम विदाउट वीपिंग, यहाँ पे कैन नॉट स्पीक विदाउट वीपिंग। नाउ एंटीसिपेटिंग, जो मेडोरिनम बहुत ज़्यादा एंटीसिपेटिंग है, मतलब डेथ एंटीसिपेट कर लेते हैं, हमेशा एंटीसिपेटिंग होते हैं, एंटीसिपेटिंग मतलब पूर्वाभास, ठीक है, कि पहले ही कोई चीज़ होने वाली है उनका इनको आभास हो जाता है, बिफोर द थिंग्स हैपन इनको आभास हो जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो एंटीसिपेटिंग जो है वो मेडोरिनम बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट टाइम पैसेस स्लोली, ये हम देखें एल्यूमिना है, अर्जेंटम नाइट्रिकम है, कैनाबिस इंडिका है और मेडोरिनम, ये इन सारी दवाइयों में ये सिम्टम प्रेजेंट है। उसके बाद जो इसका बहुत अच्छा एक्शन है वो है एक्सट्रीमिटीज़ पे, तो रूमेटिज़म की बहुत अच्छी दवाई है, और ये जो सिम्टम्स हैं ये आपको बिल्कुल ऐसे की ऐसे याद होने चाहिए। तो रूमेटिज़म जो है वो कहाँ पर है, एट द टॉप ऑफ द शोल्डर एंड आर्म, मतलब शोल्डर है और जो हाथ है वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होगा, पेन दैट एक्सटेंड टू फिंगर, जो पेन होगा वो पूरा फिंगर्स तक आएगा और इसको मोशन से आराम मिलेगा। तो ये जो है रूमेटिज़म की बहुत अच्छी दवाई है। रूमेटिज़म देखिए कहाँ कहाँ होगा, तो फर्स्ट इज़ एट द टॉप ऑफ द शोल्डर एंड एट आर्म, ठीक है। दूसरी चीज़ है लेग पेन है, ठीक है, पेन इन लेग्स फ्रॉम हिप टू नीज, मतलब सिर्फ जब होगा जब वॉक करेगा, पेन लेग्स में कहाँ पे है, हिप टू नीज़। बहुत सारे मरीज़ हैं जो ये सिम्टम बताते हैं, एंड आफ्टर रीडिंग ऑल दिस सिम्टम्स यू शुड बी क्लियर कि एक मेडिसिन को दूसरी मेडिसिन से कैसे डिफरेंशिएट करें, क्योंकि जब भी कोई लेग पेन का मरीज़ आता है और बोन पेन का मरीज़ आता है तो वी फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट द ब्राइनिया एंड रेस्टॉक्स, बट जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो रूमेटिज़म कवर करती है जिनकी मोडालिटीज़ इन दोनों से सिमिलर है, तो वो भी हमें साथ में ध्यान होना चाहिए, बट साथ में कॉन्स्टिट्यूशन एंड द हिस्ट्री वी शुड ऑल्सो रिमेंबर अबाउट दिस, ठीक है। तो यहाँ पर भी पेन है जो सिर्फ चलने पे हो रहा है, एग्रवेट व्हेन वॉकिंग। नेक्स्ट हैवीनेस ऑफ लेग, भारी भारी जो पैर है वो महसूस होंगे और पैरों में पूरी रात दर्द होता रहेगा कि नींद भी नहीं आएगी, फिर इतना पैरों में दर्द होगा, इट प्रिवेंट्स द स्लीप ऑल्सो। तो यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि भारीपन है पैर में, एक तो रूमेटिज़म है, पैरों में दर्द हो रहा है, भारीपन है, एग्रवेशन मोशन से है, ठीक है। रेस्टलेस फिडिडिटी लेग एंड फीट, रेस्टलेसनेस ऑफ लेग्स एंड फीट, मतलब जैसा हम देखते हैं जिंकम मैट में, तो जिंकम जो है उसमें भी रेस्टलेसनेस है लेग और फीट की, तो वैसी रेस्टलेसनेस, मतलब मरीज जो है वो हमेशा पैर से टक 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 करता रहेगा, दैट इज़ दी रेस्टलेसनेस फिडगेटी ऑफ लेग्स एंड फीट, तो ये मेडोरिनम में सिम्टम मिलता है। नाउ बर्निंग इन लेग्स एंड आर्म्स हैंड एंड फीट, मैं बता चुकी हूँ बर्निंग जो है, रेस्टलेसनेस जो है मेडोरिनम की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसको क्या है कि सल्फर से आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, क्योंकि बर्निंग जो है वो सल्फर में भी मिलती है, इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द बर्निंग इन द सल्फर, सल्फर में भी बर्निंग है, मेडोरिनम में भी बर्निंग है, ठीक है। बर्निंग डिफ्रेंशिएट कैसे होगी, यहाँ पर जो मरीज़ है वो ओढ़ पहन के रहना चाहता है, ठीक है, और पंखा चला दो, ओढ़ देगा और पंखा चला दो, ठीक है।
सल्फर में क्या है कि पैर बाहर निकाल लेता है, उसको कवरिंग पसंद नहीं है। तो ये जो बहुत माइन्यूट से डिफरेंस हैं आपको पता होने चाहिए। जैसे ही जिंकम मैट में फिटगेटी है, ठीक है, और इसमें भी जो है रेस्टलेसनेस है, फिटगेटी है, तो ये हमें पता होनी चाहिए। नाउ द डिफॉर्मिटी ऑफ द फिंगर जॉइंट्स, मतलब आप देखो डिफॉर्मिटी, रूमेटिज्म डेवलप हो गया, और रूमेटिज्म में एंड में क्या होता है कि जो जॉइंट्स हैं वो डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, तो वैसा ही डिफॉर्मिटी इसमें आपको देखने को मिलेगी, स्वेलिंग मिलेगी। स्टिफनेस इज़ वेरी मच मार्क्ड इन द मेडुलम, अकड़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि पेन तो है ही, साथ में अकड़ भी गए, एंकल हैं अकड़ गए, ठीक है। और जो टेंडरनेस, मतलब जब मरीज़ चलेगा तो उसको हील और बॉल्स ऑफ फीट में टेंडरनेस महसूस होगी, सारे जॉइंट्स स्वेल्ड अप हो जाएंगे। तो हम देखें कि रूमेटिज्म में हमने क्या इंपॉर्टेंट चीज़ देखी इसकी, तो पहले तो हमने देखा कि ये जो शोल्डर है और वहाँ से जो पेन है वो पूरा फिंगर तक आ रहा है। फिर हम देखे हिप्स टू लेग्स, हिप टू नीज तक पेन आ रहा है। देन डिफॉर्मिटीज़ आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस मेडुलम, साथ में बर्निंग भी बहुत ज़्यादा है, स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है ना। और साथ ही साथ ये जो ये हैमस्ट्रिंग्स हैं, जो बैक ऑफ द थाई की मसल्स हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छी दवाई है। और ड्रॉइंग पेन होता है, ड्रॉइंग पेन सेंसेशन होता है हैमस्ट्रिंग्स में, एंकल्स में, एंड क्रैम्प इन दी काव्स एंड द सोल्स, बाइटे आते हैं ना, उसके लिए बहुत अच्छी दवाई है। सो क्यूब्रम मैट से भी ये सिमिलरिटी शो कर जाती है। नाउ देर इज़ बर्निंग ऑल्सो प्रेजेंट इन द नेप ऑफ द नेक दैट एक्सटेंड डाउन द स्पाइन एंड देर इज स्टिफनेस। तो आपको मेडुलम में क्या सिम्टम याद रखने हैं, बर्निंग, स्टिफनेस है ना, और मोशन से दिक्कत है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो ये बहुत अच्छी दवाई है जब स्पाइन में भी पेन है, ईच सिंगल वर्टिब्रा जो है वो सेंसिटिव है टच के, लंबर वर्टिब्रा इज़ पेनफुल एंड सेंसिटिव टू टच, पेन इन द सैक्रम एंड द कॉक्सिक्स एंड बैक ऑफ द हिप रनिंग अराउंड एंड डाउन लिम। सैक्रम में पेन हुआ, कॉक्सिक्स में पेन हो रहा है, बैक ऑफ द हिप्स पेन हो रहा है, दैट एक्सटेंड डाउनवर्ड। तो बहुत ही रूमेटिज्म है, अगर हमें रूमेटिज्म मिल रहा है वी मस्ट टू गिव मेडुलम। नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इसका बहुत अच्छा एक्शन है। तो रेस्पिरेटरी में क्या है, एस्थमा की बहुत अच्छी दवाई है। कैसे, एपिग्लॉटिस जो है वो वीक हो जाता है, देयर इज़ अ स्पाज्म ऑफ द एपिग्लॉटिस, एंड जो लैरिंग्स है वो स्टॉप्ड अप हो जाता है कि एयर जो है अंदर नहीं ले सकता मरीज। और इसको आराम कैसे मिलता है, जब ये फेस पे लेट जाता है और प्रोट्रूडिंग टंग। तो बहुत सारे जो मरीज हैं उनसे कभी कभार ये सिम्टम मिल जाता है, जब तक आप उससे स्पेसिफिकली पूछोगे नहीं तो भी कई मरीज जो हैं ये सिम्टम दे देते हैं कि जब हमें दम घुटता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, तो वी लाई डाउन एंड प्रोट्रूड द टंग, लाई डाउन ऑन फेस एंड प्रोट्रूड द टंग, उससे जो है डिस्निया में आराम मिल जाता है। कैन इनहेल विद ईज एंड नो पार टू एक्सेल, आराम से इनहेल तो कर सकता है लेकिन एक्सेल नहीं कर सकता है। स्पाज्म ऑफ एपिग्लॉटिस है, स्पाज्म ऑफ लेरिंग्स है, तो यहाँ पर जो है इनहेल तो कर सकता है मरीज लेकिन एक्सेल नहीं कर सकता। कफ कैसा है, पेनफुल है, लाइक कफिंग इन द बैरल। बहुत सारे मरीज जो हैं वो जब खांसते हैं तब आप सुनोगे तो ऐसा लगता है खड्डे में से आवाज़ आ रही है, तो ऐसी आवाज़ आती है, दैट्स मीन्स कफिंग इन द बैरल। ऐसी कफ की आवाज़ आएगी कि जैसे घुटी घुटी आवाज़, ठीक है। दैट एग्रवेट्स ए नाइट फ्रॉम स्वीट्स ऑन लाइंग डाउन, तो डोंट यू थिंक इट्स एग्रवेशन इज सिमिलर टू द स्पॉन्जिया। स्पॉन्जिया में भी नाइट एग्रवेशन है, स्वीट्स एग्रवेशन है, और लेटने से एग्रवेशन है, तीनों चीज़ों से एग्रवेशन है, लेकिन वहाँ पे कफिंग इन द बैरल नहीं है। वहाँ पे क्या है, लाइक अ सॉ ड्रिवन थ्रू द पाइन बोर्ड, एग्रवेशन आर सिमिलर। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ मेडुलम की ये है कि यहाँ पर आराम मिलता है लाइंग ऑन द स्टमक। अगर पेट के बल लेटने से किसी को आराम मिल रहा है तो वो है
मेडोरिनम। नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो है ये बहुत अच्छी दवाई है, तो इसमें क्या क्या जो चीज़ें हैं वो हमें याद रखनी है। विद क्रॉनिक ओवराइटिस, सेल्पिंजाइटिस, पेल्विक सेलुलाइटिस, फाइब्रॉइड सिस्ट, मतलब ये जो भी साइकोटिक मियाज़म को कवर कर रही है, जो भी चीज़ें ओवरग्रोथ है उसके लिए बहुत अच्छी दवाई है। ओवराइटिस हो गया, सेल्पिंजाइटिस हो गया, सेलुलाइटिस हो गया, फाइब्रॉइड हो गया, सिस्ट हो गया, तो उन सब के लिए बहुत अच्छी दवाई है। सो मूविंग ऑन द लास्ट सेशन ऑफ दिस वीडियो, दैट इज़ एग्रवेशन एंड एमलाइरेशन। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये एग्रवेशन एमलाइरेशन हमारे लिए जानने को। तो मेडरनम में जो आराम है वो पेट के बल लेट के मिलता है, और सी शोर पे एमलाइरेशन है। तो जो नेडरम्योर है उसके अपोजिट है इसका एमलाइरेशन, ठीक है। नेडरम्योर गॉट्स एग्रवेटेड एट सी शोर एंड मेडरनम गॉट्स एमलाइरेटेड एट सी शोर। एग्रवेशन इज थिंकिंग ऑफ द एलिमेंट्स, बट when we see there are many medicines that get aggravated when they think about their ailments, तो ये हमें पता होने चाहिए। so that's all the important thing that I have discussed with you about the medrenum, and these are the very important features of the medrenum that you need to remember, and otherwise it's a very lengthy medicine, but I have covered all the important symptoms about the medrenum. so that's ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। अगर आपने ये सिम्टम्स भी याद रख लिए तो मेडरनम जो है वो आपको समझ आ चुकी है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नो होम्योपैथी।